अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद सरवर खान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। आप सभी को 78 होता है ना, 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी को दिल से मुबारकबाद। यहाँ पे कब्रिस्तान आ गई है और हमारे साथ है समाज सेवी साहिद भाई, हम सबके बड़े भाई हैं, और पीछे में है उनके साहिबजादे सेरहान अली। तो बेटा तेल डाला था ये देखिए। तो गाइस चलते हैं, अभी जाना है हम लोगों को फ्लैग होस्टिंग में झंडा तोलन करने के लिए, तो चलते हैं और उसके बाद वहाँ जाकर के दिखाते हैं। तो साहिद भाई से भी जाने से पहले साहिद भाई से भी मुबारकबाद ले लेते हैं। आप तभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है, इस आज़ादी की महत्व को जानना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। देश की उन्नति के लिए और डेवलपमेंट के लिए हमें हिंदू मुस्लिम एकता में बल देना होगा, गंगा जमुना तहजीब को कायम रखना होगा, तभी हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और देश तरक्की करेगा और हम तमाम लोग खुशी और शांति के साथ देश में रहेंगे, चैन और सुकून के साथ। तो आप तमाम भारतवासियों से एक बार फिर से मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। तो चलिए गाइस चलते हैं, जहाँ फ्लैग होस्टिंग करना है साहिद भाई को करना है फ्लैग होस्टिंग, वहाँ चलते हैं। तो दोस्तों अभी पहुँच गया हूँ मस्जिद के पास। मस्जिद के पास क्या है आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है 15 अगस्त का जो तैयारी है वो जोरों शोर पर है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेल की जा रही है काफ़ी सारी चीज़ें आज़ादी से रिलेटेड। आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। देखें अकबर, देखिए गाइस यहाँ पर जो है छोटे छोटे जो है नेशनल फ्लैग सेल की जा रहे हैं, उसके अलावा डंडियों में लगा हुआ ये फ्लैग है। उसके अलावा यहाँ पर देखें, ओ तेरी, ये हाथ में पहना जाता है। उसके बाद ये बलून और क्या क्या है, और क्या क्या है भाई, ये बैज है, बैज देखें, देख सकते हैं ये सजाने के लिए, ये लड़ियाँ है, ये गले में पहनने के लिए पट्टा जिस तरह से मैं पहना हूँ ये देखें। उसके अलावा बैग वगैरह में लगाने के लिए ये छोटे छोटे झंडे, उसको मैं नहीं बना था यार। उसके बाद ये देखें कैप, आज फुल जो है आज़ादी का जश्न जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है और धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अलावा ये आप देखें ये बैग है, आप कैप इसे बोलते हैं। और क्या दिखाऊं मैंने, एवरीथिंग सारा चीज़ है यहाँ पे अवेलेबल। अब चलते हैं फ्लैग होस्टिंग के लिए और आपको वहाँ भी दिखाते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे बच्चे जो है फुल आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। ये है मोहम्मद ओरहान, इसे तो आप जानते ही है, और साथ में है मोहम्मद सेरहान अयूबी, हेलो करो। और उसके अलावा आरिज भी आया हुआ है यहाँ पे, देखें आरिज क्या है, आरिज आज 15 अगस्त आज़ादी। तो देखिए ओरहान बैलून भी लिया हुआ है, साथ में झंडा भी लिया हुआ है, हेलो कर दो ओरहान। और देखिए ये सरहान किस तरह से अपने देश का झंडा जो है उसे लहरा रहा है। और देखिए और कौन आया आपको मिलवाते हैं यहाँ पे, दादा का पोता भी यहाँ पे आया हुआ है, देखिए ये मास्टर, क्या नाम है, नाम बताओ, ये दादे का पोता है ना, ये है दादा का पोता। फ्लैग होस्टिंग हो रही है,
जज्बा जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर, तकदीर बदल जाएंगे खुद मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। चलिए हम बना रहे झंडा तोलन का आयोजन किया गया है और तालियों में कमी नहीं रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे MIM के अध्यक्ष यहाँ पर गए, अभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आज़ादी के शुभ अवसर पर यहाँ पर जो है लोगों को जो है रैंक कोड बांटा जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो है आज़ादी की खुशी में, आज़ादी मिलने की खुशी में जो है इस तरह से यहाँ पर रैंक कोड जो है शहीद भाई के हाथों से बांटा जाएगा। अभी दिखाएंगे आपको, यहाँ पर रैंक कोड अभी बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए जो है रैंक कोड मंगाई गई है। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, जिनका नाम है लिस्ट में उन लोगों को दिया जाएगा। यूथ सोसाइटी के लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया है, इस यौमे आजादी के दिन में लोगों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं बारिश के कारण घर पे रह जाते हैं, उन लोगों को अपनी ओर से जो है रेनकोट दिया जाएगा। लिस्टिंग किया हुआ है, लिस्ट से जिसका नाम पुकारा जाएगा वो सामने आ जाएंगे और अपना तोहफा कबूल करेंगे। यूथ सोसाइटी के लोगों को जिनको है रेनकोट वो जो है रुके रहेंगे, जाएंगे नहीं, उनके लिए और भी नाम रखा है। बच्चे लोग, जो लोग को रेनकोट मिल गया है वो जाएंगे नहीं, रुक जाए। ताली लेने के लिए शकील भाई के साथ में, और हम लोगों जो है ताली पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे देखे ये ताली इसलिए लेकर के जा रहे हैं चूँकि मस्जिद में एक सेट का जो है एक दीवार का एक सेट का में काम चल रहा है, और उसमें सोच रहे हैं कि हम लोग जो है इस बार ताली लगा दें। और यहाँ पे देखिए कितनी सारी तालियाँ रखी हुई है, तरह तरह की तालियाँ। अभी इसमें से पसंद करेंगे कि कौन सा हम लोग को लेना है, और इस साइड में भी टाली आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है टाली लगी हुई, सारे डिजाइन की है। टाली पीछे देते हैं ये वाला नहीं है, ये सब बताइए नहीं, 10 रुपया पीस है, तो स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है ना। MIM के केंद्रीय अध्यक्ष के नाम बताने पर
समय हो रहा है, कितना हो रहा है दिखाता हूँ आपको, 12:20 हो गया, रात के 12:20 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ, अभी घर पहुँच गया हूँ। 15 अगस्त आज़ादी का जश्न काफ़ी धूमधाम से मनाया गया आज, और काफ़ी जगह जगह गया जहाँ पे प्रोग्राम हो रही थी, गानों की प्रोग्राम हो रही थी, देशभक्ति गीतों की प्रोग्राम हो रही थी, खूब सारा इन्जॉय किया। बहुत जगह वीडियो नहीं बना पाया, उसका कारण ये रहा चूँकि गाना बज रहा था, कॉपीराइट यूट्यूब मार देता है, इसलिए जो है वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाया, और कुछ घटना भी घट गई थी, हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, फहीम का छोटा भाई उसका एक्सीडेंट हो गया था, फहीम को तो आप जानते ही होंगे, वीडियो में देखा ही होगा आपने, तो उसी के छोटे भाई की एक्सीडेंट हो गई थी, हल्की फुल्की चोट आई है, पर अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी बेहतर है, अभी वहीं से हॉस्पिटल से ही आ रहा हूँ। और आज का दिन काफ़ी मज़े कर, और यहाँ पे देखें मोहम्मद औरहान भी जागा हुआ, ये देखें गाइस, और क्या देख रहा है ये मोहम्मद औरहान, मोबाइल देख रहा है, देखें ये चेक करें, बंद करो सब गाना वाना। और गाइस यहाँ पे आ गया है हमारा खाना, ये देखें ये आ गया खाना, रोटी है वहाँ पे, सालन है, और मीठे में है ये कस्टर्ड। तो खाना तो गाइस खाना खाते हैं, और आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, होपफुली आप सभी ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए दिए मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और जाते जाते अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से जाएँ, जल्दी करें फटाफट, और उसके बाद लाइक भी करें और शेयर भी करें। चलिए चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।